सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जी हां, 26 जुलाई 1999 का वो दिन भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन भारत ने दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धों में से एक कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। देखिए रिपोर्ट। विजय दिवस देशवासियों के लिए है महत्वपूर्ण। 26 जुलाई को मनाया जाता है यह दिवस। 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। 60 दिनों से अधिक समय तक चला था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में शहीदों को दी जाती है श्रद्धांजलि। भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को किया जाता है याद। युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या विजय श्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव खींचने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, आज कारगिल विजय दिवस है, जो कि स्वतंत्र भारत के देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भारत में हर साल 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक चला, जो कि 26 जुलाई को समाप्त हुआ और भारत की विजय हुई। इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु ये दिवस मनाया जाता है। दरअसल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया था और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा करने में सफल रही। लद्दाख के कारगिल में 60 दिनों से अधिक समय तक पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई जारी रही और अंत में भारत को इस युद्ध में जीत हासिल हुई। और हर साल इस दिन हम युद्ध में शहीद हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो वहीं भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करते हुए देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। गौरतलब है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच कई सशस्त्र युद्ध हुए हैं। 1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए। लाहौर घोषणा में कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का वादा किया गया था, जिस पर दोनों देशों ने स्थिति को शांत करने के लिए फरवरी 1999 में हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ को ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को कश्मीर विवाद को निपटाने के लिए मजबूर करते हुए कश्मीर और लद्दाख के बीच संबंध तोड़ना था। भारत सरकार ने इसके जवाब ऑपरेशन विजय शुरू किया और लगभग 2 महीने की लंबी लड़ाई के लिए 2 लाख भारतीय सैनिकों को जुटाया। ये युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। असल में बताया ये भी जाता है कि उस समय पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सूचित किए बिना युद्ध की योजना बनाई थी। शुरुआत में पाकिस्तान ने कश्मीर के भारतीय नियंत्रित इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। युद्ध के दूसरे चरण में भारत ने पहले रणनीतिक परिवहन मार्ग पर कब्जा करके इसका जवाब दिया। अंतिम चरण में भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना की मदद से जुलाई के अंतिम सप्ताह में युद्ध का समापन किया और 26 जुलाई 1999 को सेना ने मिशन को सफल घोषित किया।
आज इस कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ है। कारगिल युद्ध में शहीद के बलिदानों को ये देश कभी नहीं भूलेगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा। 26 जुलाई 1999 का वो दिन भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इस दिन भारत ने दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धों में से एक कारगिल युद्ध में जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कारगिल युद्ध को भूलना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये सबसे बड़ा युद्ध है जिसमें भारत की जीत तो हुई थी, लेकिन ये वो युद्ध भी है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। ये वो युद्ध है जिसमें हर घर से अपना बेटा युद्ध में भेजने से पहले माँ डरती नहीं थी बल्कि गर्व महसूस करती थी। और 26 जुलाई ये वही दिन है जिस दिन हम उन शहीद जवानों को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, उनके गौरव का सम्मान करते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।